दोस्तों, ये कहानी है एक टीचर की जो अपने आप को दूर नहीं रख पाता एक जवान सुंदर स्टूडेंट से। स्टूडेंट और टीचर दोनों ही अच्छे राइटर्स होते हैं और वो दोनों ही अपना स्टोरी पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे सेक्स ही क्यों ना करना पड़े। तो चलिए देखते हैं कि आखिर टीचर और सुंदर स्टूडेंट किस हद तक जाते हैं और क्या क्या करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक कायरो नाम की लड़की देखते हैं। कायरो के पेरेंट्स किसी और देश में रहते हैं और वो अकेले एक सुनसान से घर में रहती है। हम देखते हैं कि राइटिंग कायरो की हॉबी है। दूसरी तरफ हम जोनाथन मिलर को देखते हैं। जोनाथन एक मिडिल एज आदमी है। यहाँ हम देखते हैं कि जोनाथन कभी एक सफल राइटर नहीं बन पाया, इसीलिए आखिर में वो एक टीचर बन गया। क्लास के पहले दिन जोनाथन कायरो को सिलेबस में दी गई कुछ किताबें पढ़ने के लिए कहता है। कायरो मुस्कुराती है क्योंकि उसने वे सारी किताबें पहले ही पढ़ ली थी। तभी बिनी नाम की एक और लड़की क्लास में एंट्री करती है। बिनी सिर्फ इस क्लास की स्टूडेंट ही नहीं बल्कि कायरो की अच्छी दोस्त भी है। फिर दोनों लड़कियां कुछ खाने के लिए बाहर निकल जाते हैं। उसी समय जोनाथन कायरो के बैग में एक अडल्ट किताब देख लेता है। तभी उसका दोस्त बोरिस अपनी कॉपी लेकर वहां आ जाता है। बोरिस जोनाथन से वह किताब लेकर पढ़ने लगता है। बोरिस और जोनाथन दोनों कायरो के पास जोनाथन की लिखी एक बुक की कॉपी देखकर चौंक जाते हैं। रात को जोनाथन अपनी वाइफ बिट्रॉयस के साथ घर में है। बिट्रॉयस हमेशा की तरह अपने काम में डूबी हुई है। जोनाथन का मन है कि वो बिट्रॉयस का ध्यान अपनी तरफ लाए। उसने सोचा, क्यों ना मैं उसे बताऊं कि आज क्लास में एक स्टूडेंट मेरी बुक पढ़ रही थी। जैसे ही जोनाथन ने बिट्रॉयस को यह बताना शुरू किया, तभी बिट्रॉयस के ऑफिस से कॉल आ गई। कॉल खत्म होने के बाद बिट्रॉयस और जोनाथन साथ में ड्रिंक पीने लगे। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। तभी बिट्रॉयस को फिर से कॉल आ गई। बिट्रॉयस के चले जाने के बाद जोनाथन निराश होकर रह गया। अगले दिन उसने अपने दोस्त बोरिस को सारी बात बताई। बोरिस ने जोनाथन का मजाक उड़ाया। तभी दोनों दोस्त जंगल से गुजर रहे थे कि उन्हें कायरो दिख गई। पिछली रात की घटना से अधूरा मन लिए जोनाथन ने कायरो से पूछा, क्या तुम्हें इन जंगलों से गुजरते हुए डर नहीं लगता? कायरो ने मुस्कुराते हुए कहा, इन जंगलों में सबसे डरावनी चीज मैं ही हूँ। ये सुनकर जोनाथन हंसने लगा। स्कूल के कॉरिडोर में बिनी अपनी किताबें गिरा देती है। बोरिस जानता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है, इसलिए वह उसे पूछता है कि क्या चाहिए तुम्हें। बिनी जानबूझकर बोरिस को छेड़ रही थी। ये सब कायरो भी देख रही थी। वो उसे कहती है कि तुम तो पूरी पागल हो। बाद में वे दोनों कायरो के घर गए। कायरो अपने कॉलेज के असाइनमेंट से परेशान थी, जिसमें उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बताना था। उन्होंने काफी चीजें डिस्कस की पर कुछ भी यूनिक नहीं था। तभी बिनी ने एक अजीबोगरीब सुझाव दिया और कहा कि तुम अपने टीचर के साथ अफेयर कर लो और फिर उसके बारे में कुछ लिख देना। कायरो चौंक जाती है और कहती है, जोनाथन तो मेरे से 20 साल बड़ा है। लेकिन बिनी उसे मनाती रहती है और कहती है, ये सब अब नॉर्मल है और जोनाथन भी ठहरा एक अच्छा जेंटलमैन आदमी और वो तुम्हारे फर्स्ट टाइम सेक्स के लिए एकदम परफेक्ट है। बिनी कायरो के सामने जोनाथन की बातें करने लगती है कि कैसे वो क्लास में उसे देखता है। कायरो ये सब सुनकर शर्माने लगती है और साथ ही उसका इंटरेस्ट जोनाथन में बढ़ जाता है। अगले दिन से कायरो जोनाथन को छुपके से देखने लगती है। जोनाथन उसके पास आकर उसे कहता है कि क्लास के बाद मुझसे मिलना। क्लास के बाद जोनाथन बोरिस को एक डिनर पर इन्वाइट करता है। बोरिस खुशी से डांस करते हुए चला जाता है। उसके जाने के बाद जोनाथन वो स्टेप ट्राई करने लगता है और तभी वह कायरो आ जाती है। उन दोनों ने हंसकर ये बात टाल दी। जोनाथन कायरो के लिखे हुए एक पैराग्राफ से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गया था कि उसे वो पूरा वर्ड टू वर्ड याद है। कायरो भी यह देखकर खुश हो गई। जोनाथन चाहता था कि कायरो अपने किसी परफेक्ट ऑथर के स्टाइल में एक शॉर्ट स्टोरी लिखे। अगर वो ऐसा कर देगी तो जोनाथन उसे मिड टर्म में फुल नंबर देगा। कायरो एकदम मान जाती है। उसने जोनाथन को बताया कि मैंने भी आपकी बुक पढ़ी है। कायरो को भी जोनाथन की तरह उसकी किताबों की कई लाइनें वर्ड टू वर्ड याद थीं। जोनाथन भी ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है। वो कायरो को इस वीकेंड एक जगह बुलाता है जहां वो इस असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब रात में बोरिस, बिट्रॉयस और जोनाथन एक शांत रेस्टोरेंट में डिनर कर ही रहे थे कि तभी बिनी मीनू लेकर उसके पास आई। बिट्रॉयस ने जिज्ञासा से भरी नजरों से बिनी को देखते हुए जोनाथन से पूछा, क्या यह वही लड़की है जिसके बारे में तुम हमेशा बात करते हो? जोनाथन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं डियर, वह कायरो है। लेकिन बिट्रॉयस की नजरों में एक अजीब सी जलन थी। वह जानती थी कि जोनाथन की कायरो में दिलचस्पी बढ़ रही है और ये बात उसे परेशान कर रही थी। डिनर के दौरान बिट्रॉयस ने जानबूझकर जोनाथन को नीचा दिखाने की कोशिश की और उसने जोनाथन को कहा कि तुम में अब वो राइटर वाली बात नहीं रही। तुमने पिछले कई सालों तक कुछ नहीं लिखा, तुम बस एक आम से टीचर हो। जोनाथन चुप रहा बिट्रॉयस की बातों से थोड़ा परेशान होकर। अब वीकेंड पर कायरो जोनाथन की बताई एक जगह पर गई। जोनाथन उसके पीछे से आकर पास में बैठ गया। यहाँ एक आदमी पोयम बोलने लगता है। जोनाथन बहुत ध्यान से वो पोयम सुन रहा था
और कायरो जोनाथन को देखती ही जा रही थी। पोयम के बाद कायरो ने एक सिगरेट जलाई, जोनाथन भी उसके साथ सिगरेट शेयर करने लगा। अगले दिन कायरो जोनाथन के सामने होठ से कपड़े डालकर आती है। बोरिस ने जब इसके बारे में पूछा तो कायरो ने कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही बोरिस चला गया, कायरो जोनाथन के साथ बैठकर बातें करने लगी और उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। क्लास की तरफ जाते हुए जोनाथन को उसकी वाइफ का मैसेज आया, वहीं बाहर घूमने चलने को लेकर। जोनाथन खुश था, मगर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। क्लास के अंदर कायरो जोनाथन को अपने फेवरेट ऑथर के बारे में बताती है, जिसकी स्टाइल में वो स्टोरी लिखेगी। जोनाथन अपने घर जाने की जल्दी में था, तो उसने जल्दबाजी में कहानी पढ़ने का वादा कर लिया। उसके जाने के बाद बिनी जोनाथन के टेबल पर चढ़कर कायरो को छेड़ने लगती है। तभी जोनाथन को मिलने वहाँ बोरिस आ जाता है। अब बिनी बोरिस को छेड़ने लग गई। वो उसका फोन अपने कपड़ों में डाल लेती है और इधर कायरो को अपना फोन नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ जोनाथन का उसकी वाइफ के साथ घूमने जाने का प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि वो अपने काम में बिजी थी। तभी जोनाथन के फोन पर कायरो का कॉल आया। दरअसल जोनाथन गलती से अपने बैग में कायरो का फोन ले गया था। जोनाथन और उसकी वाइफ का प्लान तो वैसे भी कैंसिल हो गया था, तो जोनाथन कायरो को उसका फोन देने के लिए निकल गया। जब वो कायरो के घर पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई थी। कायरो एक पतली सी सेक्सी ड्रेस पहने हुए बाहर निकली। जोनाथन ने उसे फोन दिया और वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थी और हवा उनके बालों को उड़ा रही थी। उस समय जोनाथन को एहसास हुआ कि वो कायरो की तरफ अट्रैक्ट हो गया है। उन्होंने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे उनके होठ एक दूसरे के करीब आने लगे। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन जोनाथन और कायरो को इसकी परवाह नहीं थी और आखिर में दोनों ने एक दूसरे को किस कर ही लिया। जोनाथन घर लौट आया, तभी कायरो ने उसे एक मैसेज भेजा। जोनाथन की वाइफ उसे कहती है कि तुम्हारे यहाँ होते हुए मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ। जोनाथन निराश होकर एक छोटे से कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। उसने कायरो की भेजी हुई कहानी प्रिंट की और उसे पढ़ने लगा। यह एक एडल्ट कहानी थी जिसमें जोनाथन और कायरो जैसे ही एक स्टूडेंट और टीचर की बात की गई है। जोनाथन कहानी पढ़कर एक्साइटेड हो गया और उसने जल्दी से अपनी पैंट उतार दी, लेकिन अगले दिन सब बदल जाता है। क्लास में जोनाथन कायरो को वैसे नहीं बुलाता जैसे वो पहले बुलाया करता था। कायरो ने पूछा, क्या हुआ जोनाथन? तो जोनाथन ने कहा, तुम्हारी कहानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। कायरो ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन ये सब हमारे बारे में ही तो है। जोनाथन ने गुस्से से जवाब दिया, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट हैं। या तो तुम इस कहानी को फिर से लिखो या मैं तुम्हें मिड टर्म एग्जाम में फेल कर दूंगा। कायरो गुस्से से बोली, मेरी कहानी बिल्कुल सही है, आप बस डर रहे हैं कि जो आप नहीं लिख पाए वो मैंने लिख दिया है। अपनी आवाज ऊंची करते हुए कायरो ने जोनाथन को नीचे दिखाने की कोशिश की और कहा, अगर आप में दम है तो मुझे फेल करके दिखाओ। इसके बाद कायरो रोते हुए घर जाकर बिनी के साथ ड्रिंक करने लगती है। दूसरी तरफ जोनाथन के चेहरे पर भी टेंशन साफ दिख रही थी। जोनाथन की बीवी के पूछने पर कि क्या हुआ, इस पर जोनाथन उसे कायरो की लिखी स्टोरी के बारे में बताता है। स्टोरी की लाइन सुनकर वो भी एक्साइटेड हो जाती है, पर जैसे ही वो दोनों कुछ बातें कर पाते वहाँ बोरिस आ जाता है और जोनाथन फिर से ऐसे ही रह गया। दूसरी तरफ कायरो और बिनी बात कर रहे थे। कायरो बिनी को बताती है कि जोनाथन बस उसके करीब होने का दिखावा कर रहा था। फिर कायरो अपना ध्यान भटकाने के लिए बिनी को कहता है कि बोरिस को मैसेज करो। बिनी बोरिस को मैसेज करके छेड़ने लगती है, लेकिन उसकी बातों का बोरिस पर कोई असर नहीं हो रहा है। अब दोनों बोरिस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए एक फैसला करते हैं और उन दोनों ने अपने अपने कपड़े उतार दिए। फिर वो दोनों करीब आकर बोरिस को अपने फोटोज भेजते हैं। तभी जोनाथन की बीवी को जोनाथन के स्कूल से फोन आता है। स्कूल वालों को कायरो और उसके बारे में पता लग चुका था। उसकी बीवी ये जानकर चौंक गई, एक स्टूडेंट की लिखी हुई स्टोरी की वजह से इतना सब कुछ हो रहा है। फिर जब जोनाथन से वो पूछती है कि क्या उस कायरो और तुम्हारे बीच कुछ और भी हुआ है, इस पर जोनाथन साफ मना कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कायरो क्लास में नहीं आती है, वो वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में है। वाइस प्रिंसिपल ने कायरो और जोनाथन दोनों से एक एक करके पूछा कि ये सब क्या चल रहा है भाई। तो कायरो ने साफ साफ बता दिया कि जोनाथन ने मुझे मिड टर्म असाइनमेंट एडवांस में दिया, हमने साथ में सिगरेट पी, हम स्कूल के बाहर भी मिलते रहे, हमने साथ में किस भी किया। लेकिन अब जब बारी जोनाथन की आई तो वह सवालों के जवाब देने में हिचकिचा रहा था। ये देख वाइस प्रिंसिपल सब समझ गई और उसने जोनाथन को नौकरी से सस्पेंड कर दिया। घर आकर जब जोनाथन ने अपनी बीवी को बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो उसकी बीवी को जोनाथन पर शक होने लगा। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ और हुआ है, पर जोनाथन ने फिर से साफ मना कर दिया। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे दिल में उस कायरो के लिए फीलिंग्स हैं।
ये सब कहकर दोनों खूब लड़ने लगते हैं और एक दूसरे की कमियां गिनवाने लगते हैं। आखिरकार जोनाथन की वाइफ ने उससे डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ विनी कायरो से मिलती है। उसने कहा कि तुमने जो किया उस वजह से जोनाथन की नौकरी चली गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि कायरो को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो कहती है कि जोनाथन ने मुझे कम आंका था, अब वो जान गया है कि मैं असल में क्या चीज हूँ। कायरो ने इन सभी चीजों को अपने ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बताया। फिर लास्ट में कायरो कहती है कि जोनाथन के पास ना अब उसकी नौकरी है और ना ही उसकी वाइफ, इसीलिए अब वो आखिरकार अच्छे से लिख पाएगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही अजब गजब मूवीज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।